मैं भी हिंदू हूँ, मेरी हाथ को ठेस नहीं पहुँची इस मामले से। इस आहत से जो मामला माननीय प्रोफेसर साहब ने एक ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी, वो ब्राह्मणों को, हिंदुओं को ठेस नहीं लगी, ब्राह्मणों को ठेस लगी है। पूरे भारत में आप देख रहे होंगे धर्म संसद के नाम पे जो ये तथाकथित जो धर्म गुरु हैं, मैं तो उन्हें आतंकवादी मानता हूँ, क्योंकि वो खुलेआम दलितों को और मुस्लिमों को काटने की मारने की बात करते हैं। जो हमारी IT सेल है वो लगी हुई है, ये जो कैसे रतन लाल जी को जमानत मिले जल्द से जल्द, अगर पुलिस सुनवाई करती है तो हम ये दिल्ली को बंद करेंगे और पूरे भारत में आंदोलन करेंगे। नहीं, संविधान से परे नहीं है, लेकिन ये मनुवादी सरकार है, ये अपने तानाशाही चला रही है, ये मनु का जो विधान पहले था उस विधान को लेके मानती है, ये उसी विचारों पर चल रही है, ये मौलिक अधिकारों के हमारे हत्या है। ये 15% लोग हैं, 85% पे कहीं ना कहीं मात देने का काम कर रहे हैं, ये हमारे लोगों को मिला करके जो है मात देने का काम कर रहे हैं और नहीं चाहते 85% की सरकार बने। नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनहित आवाज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय। बहुत बड़ा मैटर जो आज गरमाया हुआ है वो ये है कि प्रोफेसर रतन लाल जी की जो गिरफ्तारी हुई है, असंवैधानिक गिरफ्तारी हुई है, उसी पर जो है यहाँ पर छात्र से लेकर भीम आर्मी तक मौजूद है अभी। तो सर, क्या नाम है जी? संदीप बागड़ी, जिला अध्यक्ष नजावगढ़। यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर आ चुके हैं अब उनकी रिहाई के, प्रोफेसर रतन लाल जी की रिहाई के लिए, तो मतलब क्या कुछ अब जो है कदम उठाएंगे आप? देखिए, ये जो मोदी पुलिस है, जो तानाशाही रवैया, जो रात को दिल्ली में वहाँ से जाके प्रोफेसर साहब को उठाया है, इसके लिए भीम आर्मी को अगर दिल्ली बंद करनी पड़ेगी तो हम करेंगे। दिल्ली बंद कर देंगे हम, चक्का जाम करेंगे मैम। अभी क्या कुछ करने का इरादा है? देखिए, अभी जो हमारी IT सेल है वो लगी हुई है, ये जो कैसे रतन लाल जी को जमानत मिले जल्द से जल्द, अगर पुलिस सुनवाई करती है तो हम ये दिल्ली को बंद करेंगे और पूरे भारत में आंदोलन करेंगे इसके। आपकी IT सेल भी लगी हुई है, सरकार की भी IT सेल जो है लगातार जो लगी हुई है, अभद्र टिप्पणी करने में जो है लोग जुटे हुए हैं, लगातार लगे पड़े हैं। जो एक ट्वीट किया रतन लाल जी ने, उसके ट्वीट के आधार पर वो जो रीट्वीट करे जा रहे हैं, अब उन पर जो है गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। फ़र्क ये है कि देखो, प्रोफेसर साहब बहुजन समाज से हैं, शेड्यूल कास्ट से हैं, अगर स्वर्ण समाज का भी करता तो वो आज भी एकदम खुलेआम घूम रहा होता, कोई FIR नहीं, कोई पुलिस नहीं, क्योंकि उनको पता है ये मोदी सरकार उनके हाथ में है, सिर्फ बहुजन समाज शेड्यूल कास्ट को दबाने का ये है कदम, और इसके खिलाफ भीम आर्मी रहेगी, हमेशा रहेगी। तो अभी और भी लोग हैं यहाँ पर मौजूद भीम आर्मी से, तो अभी और भी लोगों से बात कर लेते। क्या नाम है सर? ब्रजेश कुमार है मेरा, प्रदेश सचिव हूँ मैं। सचिव है, तो अब जो है उनकी जिस तरीके से असंवैधानिक गिरफ्तारी जो कर ली गई है प्रोफेसर रतन लाल जी की, इसी तरीके से और भी लोगों पर जो है प्रहार किया गया, हनी बाबू थे उन पर भी प्रहार किया गया, जो मतलब आवाज़ उठाता है उसको इसी तरीके से शिकंजे में जकड़ के डाल दिया जाता है जेल पर। मगर क्या संविधान सबको जो है अभिव्यक्ति की आज़ादी है, विचारधारा की आज़ादी है, क्या उस संविधान से परे है ये सरकार? नहीं, संविधान से परे नहीं है, लेकिन ये मनुवादी सरकार है, ये अपने तानाशाही चला रही है, ये मनु का जो विधान पहले था उस विधान को लेके मानती है, ये उसी विचारों पर चल रही है, ये मौलिक अधिकारों के हमारे हत्या है। ये जो ये सरकार है, ये क्या नाम, बार बार इनके लोग जो हैं बार बार संविधान बदलने की बात करते, क्या हमारी भावनाएं, हम लोग संविधान में विश्वास रखते हैं, क्या हमारी भावनाएं हद नहीं होती? ये लोग बार बार इनके ही सरकार के ही लोग संविधान बदलने की बात करते हैं, क्या हम लोग इनको वो नहीं, सरकार इनको नहीं अरेस्ट करवा सकती? जो जिस संविधान से पूरा देश चलता है आज, वो हमारे लिए पूजनीय है सबसे ज़्यादा। ना ये देश गीता से, ना कुरान से चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा। आपका क्या नाम है? संजय नुनहरा। संजय जी, जिस तरीके से 406 साल पुरानी ये जो मंदिर बताए जा रहे हैं, अब उसके नीचे ये मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ लेते हैं, तो अब ये उस तरीके से अपनी विचारधारा रख देते हैं कि भाई हमारे यहाँ जो धार्मिक स्थल थे, हमारे लिंग शिवलिंग था यहाँ पर, तो क्या इस पर जो है कोई और व्यक्ति अगर टिप्पणी कर दे या बोल सके, क्या मिली जुली सरकार है, और फिर क्या कुछ ही चुनिंदा लोगों यानी कि स्वर्ण लोगों को ही कहने का अधिकार है, क्या अपनी विचारधारा सबको रखने का अधिकार नहीं है इस देश में? देखिए, अधिकार सबको है और ये सबका संवैधानिक अधिकार है।
उन्होंने अपनी बात कही, प्रोफेसर साहब ने अपनी बात कही, मगर उनकी अरेस्टिंग हो जाती पर उनको अरेस्ट कर लिया गया। जबकि पूरे भारत में आप देख रहे होंगे धर्म संसद के नाम पे जो ये तथाकथित जो धर्म गुरु हैं, मैं तो उन्हें आतंकवादी मानता हूँ, क्योंकि वो खुलेआम दलितों को और मुस्लिमों को काटने की मारने की बात करते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। क्यों नहीं होती भाई? तो संविधान क्या उनके लिए नहीं है? क्या उनके लिए कानून नहीं है? तो खुलेआम संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और दलितों और अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। तो ये कैसे कब तक चलता रहेगा सर? ये जब तक चलता रहेगा जब तक इस देश का दलित और अल्पसंख्यक एक नहीं होगा, जब तक ये बहुजन समाज एक नहीं होगा, ये लोग हम पे अत्याचार ऐसे ही करते रहेंगे। इसलिए सबसे मैं अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि पूरे भारत के, दुनिया के जितने अल्पसंख्यक और दलित हैं सबको एक होना चाहिए और इस सरकार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। कहीं ना कहीं दलित और जो अल्पसंख्यक है उनके बीच जो है ज्ञानता नहीं है, ज्ञानता नहीं, अनजान है। हमारे लोग आज भी घरों में बैठे हैं, बहुत से लोग तो कुछ ऑफिसर बन जाते हैं तो वो घर से निकलना ही नहीं चाहते हैं, वो दलितों के साथ आना ही नहीं चाहते हैं। पर भीम आर्मी इस काम में लगी हुई है और बहुजनों को एक करने में लगी हुई है। आने वाले समय में हमें उम्मीद है कि हम सभी बहुजनों को एक करेंगे और एक बड़ा आंदोलन करेंगे इस सरकार के खिलाफ। से क्या नाम है आपका? अजय कुमार। अजय कुमार जी, जिस तरीके से असंवैधानिक गिरफ्तारी देश में की जा रही है लगातार, आप भी देख रहे होंगे, जिग्नेश मेवानी थे उन्होंने आवाज़ उठाई, उनको कर लिया गिरफ्तार, प्रोफेसर रतनलाल थे उनको गिरफ्तार कर लिया, क्या दलितों को और पिछड़ों की आवाज़ों को दबाने का काम किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल मैम, दरअसल ये है, ये सरकार जो वर्तमान सरकार है केंद्र सरकार में, ये नहीं चाहती है कि बहुजन समाज कहीं ना कहीं आगे जाए। और बहुजन समाज में वैसे ही बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं और जो एक दो पढ़े लिखे हैं जो बहुजनों की आवाज़ बन के आगे आते हैं, जैसे भी हमारे साहब रतन साहब आगे आ रहे थे, इनकी आवाज़ दबाई दी जा रही है जिससे हमारे बहुजन समाज और आगे न बढ़ पाए। और जैसे बात की जा रही है अभी धार्मिक भावनाओं को आहत पहुँचाने की बात, धार्मिक भावनाओं को आहत पहुँचाने की बात करें तो मस्जिद में जहाँ पर इन्होंने खुदाई की, क्या उनकी धार्मिक भावनाएँ आहत नहीं हुई हैं? यदि वो अल्पसंख्यक है तो इसका मतलब ये नहीं जहां मर्जी जो कर दोगे आप, ये तो गलत हुआ ना। इसके पहले राम मंदिर जहां बना था, राम मंदिर बनते समय जब फैसला आ गया तो वहां पे जब खुदाई की गई तो क्या मिला था? सबको पता है सबसे ज्यादा बुद्ध प्रतिमाएं मिली हैं, तब उसके उस समय धार्मिक भावनाएं आहत नहीं हुई बौद्धों की? उस समय आप सरकार कहां थी? सरकार ने आवाज क्यों नहीं उठाई? ये जो संगठन है तमाम प्रकार के मनवादी संगठन है, उन्होंने क्यों नहीं आवाज उठाया या लोगों के लिए क्यों नहीं सोचा? और दूसरी बात, एक बात और मैं कहूंगा कि जहां पे बात आप संविधान, जो भारत देश स्वतंत्र होने के बाद जिस देश, जिस संविधान से, जिस नीतियों से पूरा देश चलता है, उस नीति को क्या हम नहीं मानते हैं या ब्राह्मण लोग नहीं मानते हैं? वो चाहते हैं कि ये फिर से जो है मनुस्मृति से भारत देश चले। अगर वो नहीं मानते हैं भारतीय संविधान को, इसका मतलब वो सबसे बड़े देशद्रोही हैं। उन्हें वही उनके भारत के जो है उनकी नागरिकता रद्द की जाए, उनके खिलाफ क्यों नहीं हो रही कार्रवाई? अभी एक पंडित जो है इन्होंने बोला था संविधान बंद करो, मनुस्मृति सरकार चलाओ, तो उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाता है? और एक छोटे से मुद्दे पर रतनलाल जी ने इतना बोल दिया तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जिस तरीके से सत्ता में बैठी सरकार है, जुडिशरी सिस्टम को ले लीजिए, पुलिस सिस्टम को, क्या लगातार ये दिखा रहे हैं कि सवर्णों का ही जो है एक विशेष ग्रुप का ही जो है एजेंडा चल रहा है? जी बिल्कुल, ये लगातार हमारे ये कहीं ना कहीं जो है कि अल्पसंख्यक जो लोग हैं, ये 15% लोग हैं, 85% पे कहीं ना कहीं मात देने का काम कर रहे हैं, ये हमारे लोगों को मिला करके जो है मात देने का काम कर रहे हैं और नहीं चाहते हैं 85% की सरकार बने, 85% एक हो जाए तो इनकी सब घटिया घड़ी हो जाएगी। यानी कि इन्हें डर लग रहा है, डर लग रहा है 85 से डर लग रहा है, कहीं इसीलिए कहीं ना कहीं ये क्या कर रहे हैं, हमारे लोगों को उठा करके सामने ला रहे हैं। और जो से अब 90 हो गए हैं, इनको डर तो हो गए, 90 हैं अब तो, ये 10 रह गए और चाहते हैं कि हमारे जो बहुजन आवाज़ हैं, जो आवाज़ बनने का काम कर रहे हैं, जैसे रतनलाल एसएचओ साहब, जिग्नेश मेवाड़ी साहब, इन सबको इसीलिए गिरफ्तार किए जा रहे हैं कि ये बहुजन फिर से एक ना हो जाए, कहीं ना कहीं इनकी नीतियाँ ये, इनको डर सता रहा है। क्या नाम है सर? सुरेश चावरिया, भीम आर्मी वाइस प्रेसिडेंट दिल्ली प्रदेश। ये बताइए, जिस तरीके से ये असंवैधानिक गिरफ्तारियां हो जा रही हैं लगातार, अभी मतलब ये सत्ता में बैठी सरकार अपने पावर का मिसयूज़ कर रही है? मिसयूज़ तो देखिए आज से नहीं हो रहा है, इससे पहले भी सरकार थी वो भी कर रही थी, एक समतावादी सरकार है और एक ब्राह्मणवादी सरकार है, वो पर्दे के पीछे से करते हैं, ये फ्रंट पे आके कर रहे हैं। आज डेमोलिशन दिल्ली के अंदर, पूरे देश के अंदर बुलडोजर चलाया जा रहा है मुस्लिमों के ऊपर, लेकिन जो बस्तियाँ दलित बस्तियाँ उसमें मुस्लिम भी साथ रहते हैं और दलित भी साथ रहते हैं, तो उनके भी घर तोड़े जा रहे हैं, उनकी दुकानें भी तोड़ी जा रही हैं। तो ये कायराना हरकत जो सरकार द्वारा की जा रही है, हिंदू मुस्लिम, मैं भी हिंदू, मेरी हाथ को ठेस नहीं पहुँची इस मामले से। इस आहत से जो मामला माननीय प्रोफेसर साहब ने एक ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी, वो ब्राह्मणों को,
हिंदुओं को ठेस नहीं लगी, ब्राह्मणों को ठेस लगी है। तो 15% जो ब्राह्मण सत्ता के अंदर बैठे हैं उन्होंने पूरा मामला बनाने की कोशिश की है कि भाई अभी तो मुसलमानों को दबा रहे, अब दलितों को भी दबाने की कोशिश की जाए। तो बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों को हम मानते हैं, हम उनके अनुयायी हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं, और जो भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रति चिन्हों पर चलता है, बहुजन समाज की आवाज़ को उठाने का काम करता है, ये लोग उनको जेल में डालने का काम करते हैं। मैं भीम आर्मी के माध्यम से, उस चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, जितने जुर्म जास्ती अत्याचार ये लोग करेंगे, हम जेल थानों से नहीं डरते, डंडों से गोलियों से नहीं डरते हैं। और हम आह्वान कर रहे हैं, जब तक प्रोफेसर रतन लाल जी को बाइज्जत बरी नहीं किया जाता तब तक भीम आर्मी प्रोटेस्ट करती रहेगी पूरे देश के अंदर, और एक बड़े प्रोटेस्ट की तैयारी कर रहे थे। 3 दिन से भीम आर्मी की हमारे तमाम लोग दिल्ली प्रदेश की टीम उनको प्रोटेक्ट करने का काम कर रही थी। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को AK-56 के लिए लाइसेंस के लिए एक पत्र भी से भी अवगत कराया था, लेकिन नहीं दिया गया। पुलिस प्रोटेक्शन मांगी गई लेकिन वो भी नहीं दी गई। भाई हम अपने आदमियों की तो प्रोटेक्ट कर सकते हैं ना। जैसे हम 9:30 बजे उनके आवास से बाहर गए तो किसी ने मुखबरी की कि भीम आर्मी के लोग वहाँ से चले गए हैं, तुरंत दिल्ली पुलिस द्वारा उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो एक कायराना बहुत कि भीम आर्मी का जो आप एक देश के अंदर एक कोई वारंट भी जो है इशू नहीं किया गया, बिना वारंट के कुछ नहीं किया गया। उनके बच्चों की जान माल को खतरा है, उनकी बीवी की, उनके बच्चों की जान माल को खतरा है। अगर उनको कुछ हो गया तो कौन जवाब देगी इसकी, बताया मेरे को। उनको प्रोटेस्ट मिलना चाहिए। आज जो है 15% जो ब्राह्मण देश के अंदर है, लगातार उनको मारने की कोशिश की जा रही है, उनकी जान को खतरा है। भीम आर्मी इस चैनल के माध्यम से निवेदन करती है माननीय प्रधानमंत्री से जल्द प्रोफेसर रतन लाल जी को रिहा किया जाए, नहीं तो पूरे दिल्ली को जाम करने का काम भीम आर्मी करेगी, ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ। शुक्रिया सर। अभी आपने देखा किस तरीके से, जिस तरीके से प्रोफेसर रतन लाल जी की गिरफ्तारी हुई है, उसी के चलते यहाँ पर प्रोफेसर से लेकर भीम आर्मी तक मौजूद है। भीम आर्मी भी यहाँ पर पहुँच चुकी है दिल्ली में और लगातार उनके रिहाई की जो है मांग कर रही है, लगातार उस पर उसके लिए विरोध कर रही है कि उनकी रिहाई की जाए। और इन्होंने अभी जो है, अभी आपने सुना कि बड़ा आंदोलन करने का भी ऐलान किया है, अगर इस तरीके से ही रिहाई नहीं की गई तो चक्का जाम करने तक की इन्होंने बात की है और जो है बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। ये भीम आर्मी भी जो है उनके समर्थन में उतर चुकी है। सहयोगी धर्मेंद्र के साथ मैं पूजा, जनहित आवाज़, दिल्ली।